जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो सरपंच की बात करेगा वही हमारे पे राज करेगा, जो सरपंच की बात करेगा वही हमारे राज करेगा। सरपंच यूनियन जिंदाबाद, सरपंच यूनियन जिंदाबाद। तानाशाही, तानाशाही, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं होली जी, फिर हमारे तो यूनियन है, यूनियन में तो वाट खाएंगे जी। विधायक जी के साथ है, भाइयों के साथ है। भाइयों के साथ तो होली जब ये पैसा है स्टेट गवर्नमेंट के फंड से आया। अब कई बार क्या होता है, नियमों में फिर दिक्कत आ जाती है। तो इसमें सरपंचों को ही अपने काम तय करने की पावर है। दूसरी बात, इसके अलावा जितने आज तक बड़े काम जो गांव के हुआ करते थे उनकी सारों की स्वीकृति कहाँ होती थी? सरपंच साहब आपको जानकारी है मांगेराम का है, जो दूसरी बार कौन कौन बने हैं? आप दूसरी बार बने हो, आप भी बने हो। पहले उसकी स्वीकृति कहाँ हुआ करती थी? सरकार से हुआ करती थी, यानी ऊपर से डायरेक्टर से हुआ करती थी। वो जो डायरेक्टर से स्वीकृति हुआ करती थी उसमें कितनी दिक्कतें आती थी भाई, सारे सुनना इस बात को, ये तो व्यवहारिक बात कर लगता था ना। अब वो सारी स्वीकृति कहाँ होगी? अब वो आपने स्वीकार कर, आपने करना है, आपने ही एक लिमिट तक अपने कामों को स्वीकार करना, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। उसके बाद बड़े काम की स्वीकृति कहाँ से होगी? एक्शन करेगा। सबसे बड़े काम की स्वीकृति कौन करेगा? सीओ जिला परिषद। आपके दफ्तर से कितनी दूर है जिला परिषद का दफ्तर? पास में। कितनी सहूलियत होगी? दूसरी बात, जब आप सरपंच थे 5 साल में कितनी ग्रांट आई थी आपको? उसमें अंदाजा सा बता दो। नहीं फिर भी चलो, जो पी आर आई का ग्रांट आता था नहीं, 9 लाख 10 लाख कुछ भी, वो सरकार ने अपनी तरफ खींचा। सरपंच साहब ने जो बताया अभी, बोले जब हम सरपंच थे पहले, बोले नाम मात्र की ग्रांट आती थी, बड़े बड़े फिक्स तो थे। अच्छा, दूसरी बात, हमने हमने वो भी टाइम देखा कि सरकार के, बिल्कुल हम सरकार के इस बात के तो सहमत हैं। हमने वो भी टाइम देखा, मेरे याद है भाई सरपंच था उस टाइम में, तालाब की ग्रांट पता कितनी आया करती थी? 50,000 रुपए। ये भी तालाब का काम कर लो कि 50,000 में तुम पानी काटोगे, सफाई करोगे, खोदोगे, क्या करोगे? आज आप 1 करोड़ रुपए तक का भी अगर काम अपना प्रस्ताव डालोगे, सरकार उसको योजना में डाल के और उसकी जब भी स्वीकृति होगी आप ही की देखरेख में वो सारा काम होगा। एक तो ये तो मैं पावर की बात बता रहा हूँ, ऐसा बड़ा विषय नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो सरपंच हैं वो ई टेंडरिंग के खिलाफ घरोंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण को ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बजट सत्र है और तमाम सरपंच चाहते हैं कि बजट सत्र के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाए। ई टेंडरिंग का मुद्दा पिछले काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है, ई टेंडरिंग का विरोध सरपंच कर रहे हैं, कई ज्ञापन दे चुके हैं, कई रैलियां कर चुके हैं, कई सम्मेलन कर चुके हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन देखने को मिलता है। टोहाना में भी एक रैली हुई थी, जसिया के अंदर भी एक प्रदर्शन देखने को मिला था, कभी बीजेपी और कभी जेजेपी के किसी नेता का कोई सम्मेलन होता है तो वहां पर भी कई बार सरपंचों की तरफ से विरोध देखने को मिला। और आज आप देख सकते हैं कि जो ज्ञापन है वो सौंपने के लिए सरपंच पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हरविंदर कल्याण जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सर, बहुत ज्ञापन सौंप लिए हैं, कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया है, आज आपको ज्ञापन सौंप रहे हैं क्योंकि बजट सत्र आ रहा है, चाहते हैं कि आप सरपंचों की आवाज उठाएं, इसलिए मुलाकात की है। हमारे करनाल ब्लॉक के सभी सरपंच भाई अभी हमें मिले हैं
और ये विषय पहले भी आया था और ये विषय चर्चा में भी आया था और आज भी इन्होंने अपने कुछ पॉइंट रखे हैं। तो इनमें से जो जो पॉइंट चर्चा के होंगे वो हम समय समय पे, हमें मौका जब भी मिलता है हम समय पे चर्चा सारी बातों की करते हैं। असल में जब भी किसी व्यवस्था के अंदर कोई परिवर्तन होता है या किसी के अंदर कोई सुधार के नाते कोई नया कदम उठाया जाता है तो शुरू में ज़रूर उन चीज़ों में थोड़ी दिक्कतें आती है। और मैं समझता हूँ कि जितना भी आज ऑनलाइन जितने भी काम हैं ये आखिर में समाज के भले के लिए ये सभी काम हैं और इसका इन सब का लाभ भी समाज को ही होगा। और जहाँ तक ये ई टेंडरिंग की बात है, ई टेंडरिंग भी जो सरकार ने ये विषय निकाला है, ये केवल ऐसा नहीं है कि ये एक सरपंचों के कामों को मुश्किल करने के लिए नहीं बल्कि कामों को आसान करने के लिए ये किया गया है। और अभी 3 दिन पहले भी हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी का भी एक बयान आया था, उन्होंने भी इस विषय के ऊपर अपनी बात रखी थी। ये दो विषय है, पावर और जो सरपंचों की तरफ से बात आती है कि पावर कम होगी या ज़्यादा होगी, और दूसरा है कि ई टेंडरिंग होगी कि नहीं होगी। तो उसके ऊपर मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक ट्यूबवेल में से पानी निकलता है और वो पानी एक खाड़ के माध्यम से वो खेत में जाता है, क्योंकि हम सारे जिम्मेदार हैं, गाँव के रहने वाले हैं, सब हम भाई हैं आपस में, सारे जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग जिम्मेवारियाँ हम सब की हैं मगर हम सब जनप्रतिनिधि हैं। तो जिस प्रकार से ट्यूबवेल से जब पानी आता है तो वो ट्यूबवेल की पावर होती है। आज वो पावर सरकार ने हमारे सरपंच भाइयों की बढ़ाई है, मगर आज सवाल क्या है कि वो पानी जब ट्यूबवेल से आएगा तो वो खेत में कैसे जाएगा, वो कच्चे खाल से जाएगा या पक्के खाल से जाएगा। अभी तक का जो सिस्टम था वो कच्चे खाल का सिस्टम था, ई टेंडरिंग का मतलब है वो पक्के खाल से जाएगा। और वो कहीं ना कहीं आज जहाँ दिक्कत महसूस हमारे भाइयों को हो रही है, आने वाले समय में इसी सिस्टम को हमारे भाई अच्छा बताएंगे। कारण ये है कि आज तक बहुत सारे मैटर ऐसे हुए हैं जिसमें गलती करने वाला कोई और, गलत काम करने वाला कोई और वो इल्ज़ाम सरपंच के ऊपर आ जाता है। सरपंच एक सामाजिक व्यक्ति है, सरपंच के ऊपर बहुत ज़्यादा जो एक प्रेशर होता है वो समाज का प्रेशर होता है। सरपंच आसानी से कभी गलत काम नहीं करता, मगर जहाँ सिस्टम में कमी होती है वहाँ पर किसी और की गलती जो है वो सरपंच के नाम आ जाती है। और ऐसे हमने कितने उदाहरण देखें, और इससे मेरे भाई भी इस बात से सहमत होंगे, मगर आने वाले टाइम में जो ये सिस्टम सरकार बना रही है इसके अंदर सरपंच के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। मगर इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जी ने एक नया ये सिस्टम चलाया है। ये सारी बातें हमारी पहले भी सरपंच भाइयों के साथ हुई थी, हमने उस विषय की चर्चा भी मुख्यमंत्री जी से की थी और मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी एक जायज़ बात की थी। उन्होंने कहा था कि एक नया हमने प्रयोग ये किया है और इसके अंदर अगर कोई भी इस प्रकार की दिक्कत होगी तो 2-3 महीने जब काम चलता है तब ध्यान में आता है कि इसमें क्या दिखते हैं, क्या कानूनी तौर पे दिखते हैं, क्या एक प्रशासनिक तौर पे दिखते हैं, कहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों को दिक्कत आ रही है या कोई व्यवहारिक किसी प्रकार की भी दिक्कत है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 3 महीने में इसकी हमें पूरा एक रिव्यू, एक फीडबैक मिलेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। तो मैं भी सभी अपने जनप्रतिनिधि भाइयों से कहूँगा कि वो अपने कामों को शुरू करें। अभी जनसंख्या के आधार पर सरकार ने कुछ फंड सभी भेजे हैं सभी ग्राम पंचायतों को और वो एक जो एक अकाउंट अलग से सरकार ने बनाया है, क्योंकि डायरेक्ट जो पैसा HRDF का आता है वो पैसा हमेशा स्पेसिफिक किसी काम का आता है, मगर ये जो पॉपुलेशन के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने जो पैसा भेजा है उसमें सभी सरपंच भाइयों को ही छूट है कि वो तय करें उस पैसे को कहाँ पर खर्च करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उस पैसे का भी वो प्रयोग करें, आने वाले समय में जो ट्रेनिंग सेशन आएंगे उसका भी वो लाभ लें, क्योंकि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जब सिस्टम में आए तो हमने भी बहुत सारी ट्रेनिंग जो है वो हमने ऐसे सेशन हमने भी अटेंड किए, उससे हमारी जानकारियाँ भी बढ़ी। और मैं इतना भी कहूँगा कि जब एक चर्चा उसके अंदर होगी, सिस्टम की चर्चा होगी, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ भी दूर होंगी और फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हर बात को सुनते हैं और कोई व्यवहारिक दिक्कत है तो उसका हल भी निकालते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा अपने सभी भाइयों को। पैसा मतलब सोशल मीडिया में तो बता दिया भी पंचायतों में पैसा आ गया और पैसा आया ही नहीं किसी पंचायत के पास, पैसा नहीं ना उसका कोई खाता है ना कुछ है। देखो अपने ज्ञान को पहले पूरा करो जी, अगर ज्ञान आधे ज्ञान से बात करोगे तो आप भी गलत बोलोगे और समझने वाला भी नहीं समझेगा। देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी कैमरे के सामने जो बात बताई है, जो अभी तक HRDF का पैसा आता था, ये ध्यान से समझना मेरी बात, चाहे वो
चाहे वो विधायक की सिफारिश से आता था, चाहे वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम सरपंच मिले हैं घरोंडा से, बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण से, और एक बार जान लेते हैं क्या कुछ मांग रखी है, क्या कुछ बात रखी है आज आपने विधायक बीजेपी के सामने। आज हमारा करनाल ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन का एक निर्णय हमने लिया था कि आज हम अपने हल्का घरोंडा के विधायक साहब को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। आए दिन हमें नई नई कोई हर रोज़ एक टिप्पणी मिलती है देवेंद्र बबली जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा कि सरपंचों की पावर छीन करके पंचों को दे दी जाएगी। शायद मुझे लगता है कि इन मंत्रियों ने कानून पढ़े नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाए हैं, जो सीधे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनकी पावर को ऐसे नहीं छीना जाता। तो हम आज अपने विधायक साहब से इसी मुद्दे पर मिले हैं कि जो पावर सरपंचों के 20 लाख की छीन करके आपने 2 लाख की है, और बता रहे कि भी सरपंच बेईमान है, और सरपंचों को कहा कि भाई आपके लिए तो बहुत बढ़िया काम है। अभी हमारे विधायक साहब ने ये बताया कि इसमें पावर आपकी घटाई नहीं बढ़ाई है। भाई बढ़ाई कहाँ पर है पावर, मेरे को बताएं विधायक साहब जी, इसके अंदर भाई आपने 20 लाख रुपये तक के सरपंच अपनी मर्जी से जो भी ग्रांट आती थी उसके अपनी मर्जी से चेक काट करके गली का निर्माण, किसी चौपाल का निर्माण, किसी नाले का निर्माण करवा सकते थे समय रहते। अभी इन्होंने बोला कि 2 लाख तक के ही काम कराएंगे आप, 2 लाख से ऊपर के जो भी कार्य होंगे वो कार्य जो है ई टेंडरिंग से होंगे। तो मैं कैबिनेट मंत्रियों से और माननीय विधायक अरविंदर कल्याण जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि सही कानून है, और ये सही कानून को मैं चाहता हूँ ये किस प्रकार से सही है कोई हमें बताए तो सही इस बात को, क्योंकि कोई भी काम अगर 10 लाख रुपए का टेंडर ग्रांट कोई मंजूर होती है उसका टेंडर छूटता है तो माइनस में जाएगा टेंडर। पहली बात तो वहीं 1 लाख रुपए घट गए, फिर उसके अंदर वो पता नहीं मटेरियल ठेकेदार कैसा खरीदेगा कैसा नहीं खरीदेगा। सरपंचों को चेक काटने की पावर दी है, माल कोई और ठेकेदार खरीदेगा, तो सरपंच पहले तो एक प्रस्ताव डालेगा। तो तमाम गुस्सा है सरपंचों के अंदर, क्या कुछ मांग रखी है आज हरविंदर कल्याण जी के आगे, ज्ञापन भी सौंपा है। आज हमने माननीय हरविंदर कल्याण जी के सामने अपना ज्ञापन दिया है, और हमने अपनी ई टेंडरिंग की और जो गांव की समस्या है वो बात रखी है। कल्याण जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा और आपके साथ चल कर आपका सहयोग कराऊंगा। कितने लाख तक की पावर की बात करी है? पावर तो जो डिसीजन सरकार लेगी वो तो उन्हीं के हिसाब से चलेगा। वो तो कहते हैं पारदर्शिता आएगी, पारदर्शिता आए अच्छी बात है, उसका कोई ऐसी बात नहीं है। सरपंच पारदर्शिता आने के लिए पर इसमें कोई भी किसी भी MLA या MP साहब को गलत बयान सरपंचों के लिए नहीं करना चाहिए। जो भी कोई ना कोई बातचीत चलती है पंचायत मंत्री जी, जो बार बार पहले तो उन्होंने जो बोलिया है कि सरपंच चोर है, अब उन्होंने क्या कह रहा है जो हम पावर है वो पंचों को दे देंगे। ये एक सरपंचों का जो गांव राम ने सब निरल के सरपंच बनाया तो उनके खिलाफ जो आवाज़ कर रहे हैं भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, हम इसका सभी की सभी सरपंच एसोसिएशन विरोध करेंगे। तो गुस्सा है, हाँ बहुत गुस्सा, हम सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करेंगे। अगर देवेंद्र बबली जी ज़्यादा बोलेंगे ना तो हम सभी के सभी सारे सरपंच सभी ब्लॉक के इसका पूर्ण विरोध करेंगे। गुस्सा है काफी सरपंच, बहुत ज्यादा गुस्सा है जी। ये तो एक गांव के अंदर भाईचारा खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है इनकी। भी जो सरपंच गांव के लोगों ने चुने हुए है ये कह रहे हैं भी मेंबरों को पावर दे दी जाएगी, ये गांव का भाईचारा माहौल खराब किया जा रहा है। हमारी यही निवेदन है कि मंत्री जी जरा संविधान को पढ़ लो कि जो लोगों के द्वारा बनाया गया है उसकी पावर आप खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हमारी पावर है जो संविधान के अंदर है उसको चालू किया जाए जी।